So good morning to all of you. Today we will start a new topic, that is the solid solution. So this is a very important topic in the material science. Till now we have discussing the structure of the pure metal or elements, so that we describe in terms of the closed packed crystal structure, like hexagonal closed packed structure or cubic closed packed structure. Also, some metals we said have body centered cubic structure. अभी तक हमने क्या लर्न किया था? अभी तक हमने जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर था उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, लाइक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल क्लोज पैक सेंटर है, स्ट्रक्चर है, क्यूबिक क्लोज पैक सेंटर है, राइट? और उसमें से कुछ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट है. सो ये सारे टॉपिक्स हमने अभी तक लर्न किए थे. However, we have not discussed the structure of the alloy. Exactly alloys का structure कैसे होता है ये अभी तक हमने discuss नहीं किया था. If we put more than one element, if the material consists of more than one element, what will be the structure? मान लो कि कोई भी एक material है और उस material में एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है. सो व्हाट विल बी द इट स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? देखो, क्रिस्टल लैटिस में हमने क्या किया था, क्रिस्टल लैटिस में हमने यूनिट सेल देख लिया, यूनिट सेल से जो क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है उस क्रिस्टल लैटिस को भी देख लिया, लेकिन वहां पे सिंगल मटेरियल था, सिंगल एलिमेंट का स्ट्रक्चर देखा था. और हमको पता है कि कोई कोई एलिमेंट ऐसे होते जिसमें मोर देन वन एलिमेंट भी प्रेजेंट होते या फिर एग्जिस्ट होते हैं. सो हाउ दोज एलिमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट इन द स्ट्रक्चर. सो ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स हम किस प्रकार से स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेजेस ऑफ द अलॉय इज द सॉलिड सॉल्यूशन. सो ये जो फेजेस है, इन फेजेस में जो इम्पोर्टेंट है, इन फेजेस ऑफ द अलॉय में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड सॉल्यूशन. सो आज के लेक्चर में आज हमें सॉलिड सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉलिड सॉल्यूशन के टाइप्स और सॉलिड सॉल्यूशन के एप्लीकेशंस आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करने हैं, राइट? सो सॉलिड सॉल्यूशन एज वी सेड इज इम्पोर्टेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द अलॉय. किसी भी अलॉय का स्ट्रक्चर लर्न करने से पहले हमें सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पता होना इम्पोर्टेंट है. एंड इम्पोर्टेंट फेजेस आर देयर इन द अलॉयज. वन इज सॉलिड सॉल्यूशन एंड अनदर इज कंपाउंड, और समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज अ इंटरमेटालिक कंपाउंड, और सिंपली इट कैन बी कॉल्ड एज अ सिंपली इंटरमेटालिक, राइट? सो ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ अलॉयज में, स्ट्रक्चर ऑफ अलॉयज हमको लर्न करना है. स्ट्रक्चर ऑफ अलॉयज में फर्स्ट पॉइंट क्या कंसीडर कर रहे हैं हमें, फेजेस इन द अलॉय. सो देयर आर मेनली टू फेजेस ऑफ द अलॉय, द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज अ सॉलिड सॉल्यूशन एंड द सेकंड फेज इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड, और it can be called as a intermetallic compound or it can be called as a intermetallic. Okay, baga tyache teen naav ahet, tinhi naav lakshat theva. Ek tar tumhi tyala compound manaycha, dusra tyala intermetallic compound manu shakta, kiwa tisra tyala fakt tumhi intermetallic suddha manu shakta, right? Both of them that means solid solution and compound, since they are structure of the alloys, they consist more than one element. Or phases of alloy mein chahe aap solid solution consider karo ya chahe aap compound consider karo, in dono isme
एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होगा. ओके, सो इन द कंपाउंड द कंपोजिशन इज फिक्स्ड. यहां पे देखो जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में क्या होता है, कंपोजिशन फिक्स होता है, इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, फिक्स्ड कंपोजिशन. सो द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ द फिक्स्ड कंपोजिशन वेयर एज सॉलिड सॉल्यूशन विल हैव एटलीस्ट सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन. यहां पे कंपाउंड के यहां पे मैंने क्या लिखा है, फिक्स्ड कंपोजिशन. और अगर आप यहां पे सॉलिड सॉल्यूशन में देखते हो तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है, वेरिएशन इन द कंपोजिशन इज पॉसिबल. नाउ लिसन केयरफुली, यहां पे मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि वेरिएशन इन द कंपोजिशन इज पॉसिबल, दैट मींस एटलीस्ट सम वेरिएशन इन द कॉम्बिनेशन, सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन हम कर सकते हैं. वेरिएशन इन द कंपोजिशन इज पॉसिबल एंड इन टर्म्स ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंपाउंड कैन हैव अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स. कंपाउंड जो होंगे, कंपाउंड में क्या होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम द आइदर ऑफ द कंपोनेंट. उसका जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होगा आइदर ऑफ द कंपोनेंट. मतलब यहाँ पे दोनों जो एलिमेंट होंगे वो दोनों एलिमेंट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. सॉलिड सॉल्यूशन यूजुअली विल हैव द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्यूशन इज दैट वन ऑफ द कंपोनेंट. और सॉलिड सॉल्यूशन में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, यूजुअली द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्यूशन इज दैट वन ऑफ द कंपोनेंट. और यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूशन होगा, सो उस सॉल्यूशन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसके बराबर होगा, वन ऑफ द कंपोनेंट, मतलब किसी एक एलिमेंट के बराबर उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे एग्जिस्ट होगा. राइट, सो ये दोनों फेजेस ऑफ द अलॉयज याद रखो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा है कंपाउंड. सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, देयर इज अ वेरिएशन इन द कंपोजिशन, हम इसका कंपोजिशन क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं. लेकिन कंपाउंड में कंपोजिशन को वेरी करने का कोई भी चांस नहीं है, वहां पे जो कंपोजिशन होता है वो कंपोजिशन फिक्स्ड कंपोजिशन होता है. और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, किसी भी एक एलिमेंट के साथ मैच हो जाता है. लेकिन अगर आप कंपाउंड की बात करते हो तो यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होगा आइदर ऑफ द कंपोनेंट के साथ. सो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे देखो सॉलिड सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी है, अ सॉलिड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन टू मेटल्स आर completely soluble in the liquid state and also completely soluble in the solid state. Solid solution कैसे form होगा? Solid, जैसे देखो आप सब लोगों को alloy के बारे में पता होगा. Alloy में क्या होता है? Two or more metal हम combine करते हैं. Two or more metal को क्या करते हैं? Combine करते हैं. तो ठीक उसी प्रकार से solid solution जो है, ये solid solution कैसे form होता है? When टू मेटल्स आर कंप्लीटली सोल्यूबल. कोई ए नाम का मेटल है और कोई बी नाम का मेटल है, अगर ये दोनों मेटल एक दूसरे में कंप्लीटली सोल्यूबल है, चाहे आप लिक्विड स्टेट में करो चाहे आप सॉलिड स्टेट में करो, अगर वो दोनों कंप्लीटली सोल्यूबल है तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, सॉलिड सोल्यूशन कहा जाता है. सिंपल गोष्ट लक्षात ठेवायची, जर दोन मेटल, दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त मेटल कंप्लीटली सोल्युबल असतील, मग ते लिक्विड स्टेटमध्ये सोल्युबल असतील किंवा सॉलिड स्टेटमध्ये जर सोल्युबल असतील, मिक्स केल्याच्या नंतर किंवा एकमेकामध्ये सोल्युबल झाल्याच्या नंतर जे सोल्युशन आपल्याला मिळतं किंवा जे मिक्सचर आपल्याला मिळतं, त्या मिक्सचरलाच आपण काय म्हणतो, सॉलिड सोल्युशन असं म्हणतो. इन अदर वर्ड्स, वेन होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ, यहां पे देखो, वेन होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ
two or more kinds of the atoms or the metals occur in a solid state, they are known as a solid solution. So आप कोई भी definition याद रखो, या फिर first definition याद रखो, या फिर second definition. So in the other word, दूसरे शब्दों में हम उसको क्या कहेंगे? When the homogeneous mixture of the two metals, occur in a solid state. अगर solid state में इनका mixture अगर form होता है, जिनका क्या होना चाहिए? Homogeneous mixture form हो जाना चाहिए, दो और दो से ज्यादा मेटल्स का. सो ऐसे सॉल्यूशन को या फिर ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन, राइट? सो लेट अस डिस्कस दिस फेज ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल्स. अभी देखो यहाँ पे मैंने तीन एग्जांपल लिखे हैं. इन एग्जांपल का यूज करके हम सॉलिड सॉल्यूशन को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस कंसीडर द सॉलिड सॉल्यूशन फर्स्ट. सो वी हैव ऑलरेडी सेड दैट सॉलिड सॉल्यूशन कैन बी ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन. सो जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया था आपको कि जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? कंपोजिशन में वेरिएबल होता है, वेरिएबल इन द कंपोजिशन एंड हैज क्रिस्टल स्ट्रक्चर. और उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच इज दैट वन ऑफ द कंपोनेंट टू काइंड्स ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन हैव बीन आइडेंटिफाइड. मतलब क्या होता है? वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ या फिर किसी दूसरे एटम के साथ मैच हो जाता है या फिर आइडेंटिकल होता है. Before we discuss that classification, let us discuss some example. So solid solution का classification देखने से पहले हम क्या करेंगे? कुछ example यहाँ पे discuss करेंगे. In steel, we have important solid solution called as a austenite. जो steel होगा, वो steel में एक important solid solution होता है. और उस सॉलिड सॉल्यूशन को कहा जाता है ऑस्टेनाइट. देखो जो आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम है, आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम हम लर्न करेंगे. तो जो आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम है, उस आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में एक फेज है. स्टील की एक फेज एग्जिस्ट होती है, उस फेज का नाम है ऑस्टेनाइट. उस फेज का नाम क्या है? ऑस्टेनाइट है. और ये ऑस्टेनाइट क्या है? एक सॉलिड सॉल्यूशन है. ऑस्टेनाइट इज सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द कार्बन, इन गामा आयरन. ऑस्टेनाइट क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द कार्बन, कैपिटल सी का मतलब क्या है? कार्बन. सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द कार्बन किसमें है? गामा आयरन में. ये जो सिंबल है, ये ऐसा चार, अपन जसे मराठी चार काढतो तसेच काढायचे, फक्त थोडस इथे गॅप अजिबात दाखवायचा नाही, त्याला लगेच गॅमा असं म्हणतात. जी ए डबल एम ए गॅमा म्हणायचं त्याला. आणि एफ ई, एफ ई हा सिम्बॉल कशाचा असतो? आयरनचा असतो. एफ ई सिम्बॉल किसका होता है? आयरन का होता है. सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ऑस्टेनाइट इज द सॉलिड सोल्यूशन ऑफ द कार्बन इन द गॅमा आयरन. गॅमा आयरन मीन्स FCC स्ट्रक्चर. ये जो गामा आयरन होगा, गामा आयरन जो होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? FCC, that is face centered cubic structure. Okay? Iron has more than one crystal structure in a particular FCC. और ये जो ऑस्टेनाइट होगा, इस ऑस्टेनाइट को, ये जो ऑस्टेनाइट होगा, ये क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द कार्बन इन द गामा आयरन. गामा आयरन मींस एफसीसी आयरन. आयरन हैज मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन अ पर्टिकुलर एफसीसी, गामा आयरन एंड बीसीसी अल्फा आयरन. देखो अभी ये जो आयरन एग्जिस्ट होगा, ये जो आयरन एग्जिस्ट है वो दो फेज में एग्जिस्ट होता है. एक होता है गामा आयरन
और दूसरा होता है अल्फा आयरन। और ये जो अल्फा आयरन का स्ट्रक्चर होगा वो किसके बराबर होगा, बीसीसी के बराबर होगा, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑस्टेनाइट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द कार्बन इन द गामा आयरन। सो ठीक उसी प्रकार से एक दूसरी फेज एग्जिस्ट होती है आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में, उस फेज का नाम है फेराइट। उस फेज का नाम क्या है, फेराइट। सो फेराइट इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द कार्बन। फेराइट भी क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है, किसका है, कार्बन का, किसमें है, इन अल्फा आयरन, किसमें होगा, अल्फा आयरन में। एंड दिस अल्फा आयरन हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। सो दिस अल्फा आयरन हैज द बीसीसी स्ट्रक्चर। ये जो कार्बन है जिस अल्फा आयरन में प्रेजेंट होगा उस अल्फा आयरन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सॉल्यूशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज बीसीसी और एफसीसी, वी कॉल देम एज आइदर फेराइट और ऑस्टेनाइट। सो डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम उसको क्या कह सकते हैं, ऑस्टेनाइट भी कह सकते हैं और फेराइट भी कह सकते हैं। सो बोथ ऑफ द फेजेस वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील। सो वी विल डिस्कस द स्टील एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, राइट। सो इसीलिए ऑस्टेनाइट और फेराइट याद रखना है, ये ऑस्टेनाइट और फेराइट, दीज आर द टू फेजेस ऑफ द स्टील इन आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। इन दोनों फेजेस के बारे में हम जब आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम लर्न करेंगे तब मैं ऑस्टेनाइट और फेराइट के बारे में आपको डिटेल्स में बता दूंगा। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि ऑस्टेनाइट सॉलिड सॉल्यूशन है, किसका, कार्बन का, इन इन गामा आयरन। और ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, एफसीसी, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, फेराइट। सो फेराइट इज ऑल्सो द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द कार्बन इन गामा, सॉरी इन अल्फा आयरन। और ये जो अल्फा आयरन होगा, इस अल्फा आयरन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इट इज लाइक बी सी सी। अगेन इन द स्टील वी हैव अनदर सॉलिड सॉल्यूशन दैट इज अल्फा ब्रास। सो सॉलिड सॉल्यूशन में और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द अल्फा ब्रास। अल्फा ब्रास इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर विच हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखो अल्फा ब्रास ऑलरेडी हमने जो नॉन फेरस मटेरियल है उन नॉन फेरस मटेरियल में कंसिडर किया था। सो अल्फा ब्रास इज द सॉल्यूशन ऑफ द, मतलब ब्रास मतलब क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है। सो और ये जो अल्फा ब्रास है और अल्फा बीटा ब्रास है ये भी हमें पता है, अगर जिंक का परसेंटेज लेस देन 30% होता है तो ऐसे ब्रास को हम क्या कहते हैं, अल्फा ब्रास कहते हैं। सो ये जो अल्फा ब्रास है, दैट अल्फा ब्रास इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर। और अगर आप कॉपर का स्ट्रक्चर देखते हो तो कॉपर का स्ट्रक्चर कैसे है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। कॉपर का स्ट्रक्चर कैसे है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और ये जो अल्फा ब्रास है किस किस का सॉलिड सॉल्यूशन है, कॉपर और जिंक का। और जो जिंक है वो जिंक का स्ट्रक्चर कैसे है, जिंक हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एच सी पी, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। सो यू कैन सी दैट द एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो एफ सी सी है, और जो जिंक है उस जिंक का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे है, एच सी पी है। और ये जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा दैट इज अल्फा ब्रास, ये अल्फा ब्रास का स्ट्रक्चर कैसे होगा, अल्फा ब्रास हैज द एफ सी सी स्ट्रक्चर। देखो सिंपल लॉजिक मैं आप लोगों को बताता हूं, अल्फा ब्रास इक्वल टू अपन काय लेना, कॉपर प्लस जिंक लेना, कॉपर प्लस जिंक लिया, पण
आता जर इथं जर लक्षात घेतलं तर कॉपरचं जे स्ट्रक्चर आहे ते कसं आहे, एफ सी सी आहे, आणि जो झिंक आहे त्या झिंकचं स्ट्रक्चर कसं आहे, एच सी पी ए. मग आता क्वेश्चन असा अराईज होतो की व्हॉट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस अल्फाब्रास. हा जो अल्फाब्रास आहे त्या अल्फाब्रासचं स्ट्रक्चर कसं असेल. सो द सॉलिड सोल्युशन इज दॅट अल्फाब्रास हॅज एफ सी सी स्ट्रक्चर. अल्फाब्रास हॅज द एफ सी सी स्ट्रक्चर. सो ॲज वी नोटेड इन द प्रीवियस डिस्कशन, अगर आप देखो ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर कैसे था, एफ सी सी सिंगल फेस था, फेराइट में भी सिंगल फेस था तो उसका स्ट्रक्चर बी सी सी था, लेकिन अल्फाब्रास में क्या होता था, अल्फाब्रास टू सोल्यूशंस, मतलब एक सोल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, तो इसमें कॉपर जो है वो कॉपर का परसेंटेज मैक्सिमम होता है, इसीलिए ये जो अल्फाब्रास है इस अल्फाब्रास का सोल्यूशन, सॉरी अल्फाब्रास का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसे होगा, एफ सी सी स्ट्रक्चर होगा. इन दिस केस वन कंपोनेंट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड अनदर कंपोनेंट इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक एंड द सॉलिड सोल्यूशन हैपन्स हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉपर दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. Right? So these are the three examples of the solid solution that you have to keep into in your mind. Okay? हे तिन्ही example नीट लक्षात ठेवा. हे बघा लक्षात घ्या, solid solution मध्ये पर्टिक्युलर जी फेज असेल किंवा पर्टिक्युलर जो एलिमेंट असेल ना, तर त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. स्ट्रक्चर खूप महत्त्वाचं आहे, कारण स्ट्रक्चरवरूनच आपण त्याचे प्रॉपर्टीज, कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज एक्झिस्ट आहेत हे आपण फाइंड आउट करू शकतो. जर तुम्हाला स्ट्रक्चरच माहिती नसेल तर तुम्हाला त्याच्या प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करणं डिफिकल्ट होऊ शकतं. अभी नेक्स्ट पॉइंट कन्सिडर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉलिडिफिकेशन. देखो सॉलिड सोल्यूशन में सॉलिडिफिकेशन का ज़्यादा रोल नहीं होता है, बट सॉलिडिफिकेशन, डिफाइन सॉलिडिफिकेशन, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सॉलिडिफिकेशन, ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार पार्ट बी में पूछा गया है. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन के अंडर सॉलिडिफिकेशन का भी पॉइंट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ. सो सॉलिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड फेज टू द सॉलिड फेज. बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन है. सॉलिडिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है लिक्विड फेज को सॉलिड फेज में. अभी देखो कोई भी सपोज एग्जांपल के लिए हम वाटर कंसीडर करते हैं. सो वाटर लिक्विड फेज में है, उसे हमें सॉलिड फेज में कन्वर्ट करना है. सो ऑब्वियसली मतलब जो वाटर है उस वाटर का कन्वर्जेशन हमको किस में करना है, बर्फ में करना है, आइस में करना है. सो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, जो वाटर की जो हीट है या फिर वाटर में जो हीट प्रेजेंट है उस हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या है, बाहर निकालना, क्योंकि हमें पता है अभी देखो जनरली जो रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर प्रेजेंट होगा कंसीडर करते हैं उसका टेम्परेचर 20-25-30 डिग्री सेल्सियस होगा एट रूम टेम्परेचर. सो जैसे हम उसको फ्रीजर में रखते हैं, सो फ्रीजर क्या करता है, उसकी जो हीट है उस हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब उसकी हीट को बाहर निकालता है, तभी जाके वो सॉलिड बनेगा ना. क्योंकि जब तक उसका टेम्परेचर या फिर सॉरी जब तक उसमें जो हीट है वो हीट जब तक प्रेजेंट है तब तक वो लिक्विड ही रहेगा, और जैसे हम उसके अंदर जो भी हीट है उस हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे सो इट विल कन्वर्ट टू द सॉलिड फेज, मतलब उसका आइस बन जाएगा. इट रिक्वायर्स, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है देखो, इट रिक्वायर्स द हीट रिमूवल फ्रॉम द सिस्टम. जो भी सिस्टम है उस सिस्टम से हमें क्या करना पड़ेगा, हीट को रिमूव करना पड़ेगा. सॉलिडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एज इट इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर शेपिंग ऑफ द मटेरियल टू द डिजायर्ड प्रोसेस, सॉरी टू द डिजायर्ड प्रोडक्ट. किसी भी डिजायर्ड या फिर रिक्वायर प्रोडक्ट में अगर रॉ मटेरियल को हमें कन्वर्ट करना है सो सॉलिडिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. कास्टिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है
उसमें भी हम सॉलिडिफिकेशन का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, किसी भी मटेरियल को मेल्ट करना और उसके बाद जो शेप हमें चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा है देखो डिजायर्ड प्रोडक्ट या फिर डिजायर्ड शेप। सो जो भी हमें डिजायर्ड शेप चाहिए उस डिजायर्ड शेप को हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, राइट। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है डिफाइन सॉलिडिफिकेशन। सो आप लोग सिर्फ ये दो पॉइंट्स आप लोग याद रखो, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉलिडिफिकेशन, सो यही लिखना है लिक्विड फेज का कन्वर्जेशन या फिर लिक्विड फेज का ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिड फेज में करना, यही सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस का क्या है इम्पोर्टेंस है। और इन ऑलमोस्ट जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में हम सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, दैट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द लिक्विड फेज टू द सॉलिड फेज। The more abundant atomic form is referred as a solvent and the less abundant atomic form is referred as a solute. Okay? आता लक्षात घ्या, सॉलिड सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। सो जो जास्त क्वांटिटी मध्ये प्रेजेंट असतो, जो एटॉमिक फॉर्म ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा या फिर कम परसेंटेज में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, राइट। लाइक एग्जांपल जर कंसीडर केले तर आपण पाण्यामध्ये मीठ टाकतोय, तर पाणी हे काय असतं, सॉल्वेंट असतं, आणि जे मीठ असतं ते मीठ काय कंसीडर करायचं, सॉरी मीठ जे असतं ते मीठ काय असेल, सोल्यूट असेल, ओके। अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं वॉटर और सॉल्ट का, तो वॉटर क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जो मोर क्वांटिटी में होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होगा या फिर कम परसेंटेज में होगा उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टर्लिंग सिल्वर, ये भी एग्जाम्पल याद रखो, स्टर्लिंग सिल्वर। सो स्टर्लिंग सिल्वर में क्या होता है, 92.5% सिल्वर होता है और जो रिमेनिंग 7.5 है वो 7.5 क्या होगा, कॉपर। और यहाँ भी क्या लिखा है, 92.5% इज सिल्वर एंड द रिमेनिंग इज कॉपर इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर एंड कॉपर। ये स्टर्लिंग सिल्वर किसका सॉलिड सॉल्यूशन है, सिल्वर एंड कॉपर का है। सो इन दिस केस द सिल्वर एटम्स आर द सॉल्वेंट, जो सिल्वर के एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे, बिकॉज इट हैविंग द मैक्सिमम परसेंटेज। देखो 92.5% सिल्वर के एटम्स है, सो ऑब्वियसली सॉल्वेंट क्या होगा, सिल्वर होगा। वेयर एज कॉपर एटम्स आर द सॉल्यूट एटम्स, और जो कॉपर के एटम्स होंगे, कॉपर इज ऑलमोस्ट ओनली 7.5%, सो इसीलिए जो सॉल्यूट के एटम्स होंगे वो सॉल्यूट के एटम्स किसके होंगे, कॉपर के होंगे। देयरफॉर एन अलॉय इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर मेटल। देयरफॉर ये जो अलॉय होगा, अलॉय में भी क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट्स हम कंबाइन करते हैं, सो अलॉय इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द टू और मोर मेटल्स। Primarily, there are two types of the solid solution. और ये जो solid solution है, ये solid solution के दो types होते हैं, वो हम discuss करेंगे. So, ये tree diagram से आपको पता चलेगा. मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, जो भी classification है, वो classification हमेशा tree diagram में ही मेंशन करना है। सो इससे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार से आपने क्लासिफिकेशन किया है। सो सॉलिड सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज द
इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। एंड सेकंड कौन सी है? इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अगेन दिस सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कैटेगराइज्ड इनटू द टू सॉलिड सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज द रैंडम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, रैंडम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। एंड सेकंड वन इज द ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। एंड जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी कौन सी होगी आपकी? इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अगर आप इन दोनों का नाम देखते हो तो नाम से ही आपको पता चलेगा। यहां पे देखो, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूट करना है हमें। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? किसको सब्स्टिट्यूट करना है? सॉल्यूट के एटम को हमें सब्स्टिट्यूट करना है सॉल्वेंट के एटम में। सॉल्यूट एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड इन द सॉल्वेंट एटम्स। और यहां पे क्या है? इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सो इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट के बीच में कभी कभी कोई स्पेस छूट जाता है। सो ऐसे स्पेस को हम किससे ऑक्यूपाई करेंगे? जो सॉल्यूट के एटम है, ये सॉल्यूट के एटम से हम उसको ऑक्यूपाई कर देंगे। सब्स्टिट्यूशनल, उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, सॉल्वेंट एटम आर सब्स्टिट्यूटेड बाय द सॉल्यूट एटम। और ये जो इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन है, यहां पे हमें क्या करना है? जो भी वॉइड स्पेसेस होंगे, मतलब जो ब्लैंक स्पेसेस होंगे, उन ब्लैंक स्पेसेस को हमें रिप्लेस करना है या फिर ब्लैंक स्पेसेस को हमें फिल करना है विद द सॉल्यूट एटम। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दीज टू टाइप्स ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन इन द डिटेल्स। सो जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? द सॉल्यूट एटम्स ऑक्यूपाई द रेगुलर लैटिस साइट्स ऑफ द पैरेंट मेटल। यहाँ पे क्या होता है? जो सॉल्यूट के एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेगुलर लैटिस साइट्स के जो भी सॉल्वेंट होगा उस सॉल्वेंट में वो अपनी जगह पे वहाँ पे रिप्लेस होते हैं या फिर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट होते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो डायग्राम में, सो यहाँ पे कुछ रेड कलर्स के सर्कल है और कुछ ब्लू कलर के सर्कल्स है। सो ये जो रेड कलर के सर्कल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर की जो भी सर्कल्स है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, आर इन द लेस क्वांटिटी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। सो आप यहाँ पे देखो, फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। सोल्यूट एटम ऑक्यूपाई द रेगुलर लैटिस साइट ऑफ द पैरेंट मेटल। यहाँ पे पैरेंट मेटल मतलब क्या होगा? आपका सॉल्वेंट होगा। सो अगर आप यहाँ पे सॉल्वेंट देखते हो तो सॉल्वेंट के एटम्स हमने यहाँ पे ब्लू कलर्स में शो किए हैं। सो ब्लू कलर्स के जो सर्कल्स है वो थोड़े से ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रेड कलर सर्कल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सोल्यूट के एटम ने ऑक्यूपाई किया है रेगुलर लैटिस साइट ऑफ द पैरेंट मेटल। पैरेंट मेटल मतलब जो भी सॉल्वेंट होगा उस सॉल्वेंट के एटम को सोल्यूट के एटम ने क्या किया है? रिप्लेस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सेकंड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कैन बी रैंडम और ऑर्डर्ड। अभी देखो, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन को अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द रैंडम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज द ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सो रैंडम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है कॉपर, निकेल। एंड ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है कॉपर AU, राइट? CuAU इज द एग्जांपल ऑफ द सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। फिर से एक बार यहां पे देखो, सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट एटम्स डिस्ट्रीब्यूट ओवर अ गिवन क्रिस्टल लैटिस
साइट। यहाँ पे क्या होता है, सोल्यूट एंड द सॉलिड सॉरी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो एटम्स है ना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओवर अ गिवन क्रिस्टल लैटिस साइट। जो भी उनका क्रिस्टल लैटिस होगा उस क्रिस्टल लैटिस में इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है देखो अल्फा ब्रास। अभी अल्फा ब्रास का कंसेप्ट सबको पता है, अल्फा ब्रास में क्या होता है, कॉपर इन जिंक। यहाँ पे क्या होता है, हम कॉपर को जिंक में प्लेस करते हैं। सो ये जो फर्स्ट डायग्राम है ना, फर्स्ट डायग्राम, इट इज द रैंडम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। द फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ द रैंडम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। रैंडम क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे जो सोल्यूट के एटम्स है ना, इन सोल्यूट के एटम्स को देखो कहीं पे भी प्लेस किया गया है। कुछ आइटम्स यहाँ पे है, 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 कुछ आइटम्स यहाँ पे है। मतलब नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज डिफाइंड फॉर द रैंडम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन वहीं अगर आप सेकंड डायग्राम देखते हो तो सेकंड डायग्राम में देखो एक एटम सोल्यूट का है, दूसरा एटम सॉल्वेंट का है, फिर से एक एटम सोल्यूट का है, एक एटम सॉल्वेंट का है। यही पैटर्न हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी अप्लाई किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब एक ऑर्डर की तरह पे हमने एक जैसे ऑर्डर होता है ना, सो उस स्पेसिफिक ऑर्डर में हमने सोल्यूट सॉल्वेंट को अरेंज करके रखा है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। और ये जो ऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन होता है इसको सुपर लैटिस के नाम से भी जाना जाता है। द ऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन, इसको हम दूसरा नाम क्या होगा, इसको हम सुपर लैटिस के नाम से भी जानते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज द इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सो यहां पे क्या लिखा है, सोल्यूट एटम्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टीशियल पोजिशंस, दैट इज स्टील सी सोल्यूट एटम्स इन द EFE। मतलब स्टील में क्या होता है, सी मतलब कार्बन, कार्बन कंसिडर करेंगे हम सोल्यूट एटम्स में, और EFE यानी कि जो आयरन होगा वो किस में कंसिडर करेंगे, सोल्यूट में सॉरी सॉल्वेंट में कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर के डॉट्स है ना, ये किसके एलिमेंट्स है, दिस आर द सोल्यूट एलिमेंट आइटम। ये किसके एलिमेंट है, सोल्यूट के एलिमेंट्स है। सो यहाँ पे देखो बीच में जो स्पेस है ना, ये देखो ये जो ग्रीन वाले सिम्बॉल्स है यानी कि जो ग्रीन वाले एटम्स है वो किसके एटम्स है, सॉल्वेंट के एटम्स है। सो यहाँ पे क्या किया है, जो ब्लू एटम्स है यानी कि जो सोल्यूट के एटम्स है उन्होंने जो बीच में जो स्पेस है ना उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। जो बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को उन्होंने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। राइट, जैसे कि मान लो कि ये जो पूरा है, ये ग्रीन कलर के जो एटम्स है वो आयरन होंगे, और जो ऐसा ब्लू कलर के जो एटम्स है उनको हम कार्बन कहेंगे। मतलब कार्बन के जो एटम्स है वो आयरन के एटम्स में ऐसे इंटरस्टीशियल स्पेस, मतलब जो बीच में स्पेस है वो स्पेसिफाई, वो स्पेस यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। फॉर्मेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बिटवीन टू मेटल इज गवर्न्ड बाय द सेट ऑफ द रूल्स। नाउ ये जो फॉर्मेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है, दो मेटल्स के बीच में जो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन होता है वो फॉर्म होने का एक रूल है। मेटल इज गवर्न्ड बाय द सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स है और उनका एक सेट है, उस रूल्स को कहा जाता है नोन एज द ह्यूम रॉथरी रूल्स। इस रूल को क्या कहा जाता है, ह्यूम रॉथरी रूल्स। सो ह्यूम रॉथरी रूल्स हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, फॉर्मेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बिटवीन द टू मेटल्स, दो मेटल्स के बीच में जो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमें ह्यूम रॉथरी रूल्स में मिलेगी।
यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सोल्यूट एटम्स ऑक्यूपाई द वाइड स्पेस। वाइड स्पेस मतलब जो बीच में स्पेस होता है ना, वो बीच का स्पेस, वाइड स्पेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्वेंट एटम्स। ये जो ग्रीन कलर के हैं वो किसके एटम्स है, सॉल्वेंट के एटम्स है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे वाइड स्पेस मतलब ब्लैंक स्पेस बचा हुआ है। सो इस ब्लैंक स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट के जो एटम्स है उनको वहां पे हम प्लेस कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द टू टाइप्स, एक है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरा है इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट। देर इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी पुट इन टू द सॉलिड सॉल्यूशन। हर एक लिमिट होती है, देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी पुट इन टू अ सॉलिड सॉल्यूशन, एक मैक्सिमम अमाउंट होती है। देखो जैसे अगर हमें ऐड करना है, सपोज जो नमक है उस नमक को हमें पानी में ऐड करना है, सो एक लिमिट तक आप जितना नमक डालते रहोगे उतना मिक्स होता रहेगा, मतलब उतना पानी क्या करेगा, पानी के अंदर मिक्स होता रहेगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी उसके बाद वो पानी उस नमक को मतलब डिजोल्व नहीं कर पाएगा। आपको जो नमक के जो क्रिस्टल्स हैं, नमक के क्रिस्टल्स आपको एज इट इज मिलेंगे, एक सर्टन लिमिट तक ही ये प्रोसेस मतलब डिजोल्व होने की प्रोसेस होती है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली लिखा है सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट लिखा है, देखो सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट। सो दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट है विच इज इन द लेस परसेंटेज दैट कैन बी पुट इन द सॉलिड सॉल्यूशन, जिसको हम क्या कर सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन में पुट कर सकते। So, some solutions, for example, carbon in the gamma iron. C for the carbon, gamma iron, or austenite, or copper, and zinc in the alpha brass have the upper solubility limit. मतलब कार्बन जो है वो ऑस्टेनाइट में या फिर कॉपर में, एंड जिंक जो है वो अल्फा ब्रास में, दे हैविंग द अपर लिमिट ऑफ द सॉल्युबिलिटी एंड अपर लिमिट ऑफ द सॉल्युबिलिटी। सो फॉर एग्जांपल ओनली 2% कार्बन, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 2% कार्बन कैन बी डिसॉल्व इनटू द गामा आयरन। सो जो आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम है, उस आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम से हमें पता चलता है कि जो कार्बन है ये ऑस्टेनाइट में सिर्फ 2% तक डिसॉल्व हो सकता है, एंड दैट 2% इज कॉल्ड एज द सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट ऑफ द ऑस्टेनाइट। इस ऑस्टेनाइट में कार्बन का मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है, ओनली 2%। सो दैट 2% इंडिकेट दैट द सॉलिड सॉल्युबिलिटी limit of the austenite. So these solutions have solubility limit, whereas let us give an example. Copper and nickel forms the substitutional solid solution without limit. अभी देखो ये जो ऊपर का example हमने देख लिया था, इसमें क्या था, जो carbon है वो 2% तक ही डिसॉल्व हो सकता है, किसमें, गामा फेराइट यानी कि ऑस्टेनाइट में, राइट। बट यहां पे अगर हम कॉपर और निकेल से एक सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो वहां पे हमें कोई भी लिमिट नहीं है, विदाउट एनी लिमिट मींस दे कैन बी मिक्स्ड इन द एनी प्रोपोर्शन। कॉपर और निकेल को हम किसी भी प्रोपोर्शन में क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड कर सकते हैं, राइट। सो ये रहेगा सॉल्यूड सॉलिड
सोल्युबिलिटी लिमिट के बारे में। ये क्या करता है, ये आपको क्या है? किसके बारे में बताता है? इट शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट कैन बी पुट इन टू द सॉलिड सोल्यूशन। Let us now discuss an interesting rule known as the Gibbs phase rule. This is an important rule in the phase diagram and we will discuss this right now. Phase diagram में ये जो Gibbs phase rule है, Gibbs phase rule का बहुत ज़्यादा importance है. Phase diagram क्या होता है, phase का मतलब क्या होता है, यह हम next lecture में continue करेंगे, but आज के lecture में हम Gibbs phase rule को कंप्लीट करेंगे। सो द गिब्स फेज रूल रिलेट्स द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ फेजेस कैपिटल पी कॉमा पी इज द नंबर ऑफ द फेजेस इन द इक्विलिब्रियम, सी नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स इन द अलॉय सिस्टम। एक अलॉय सिस्टम में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो हम कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं, which we are considering, and we will define a quantity known as capital F, that is degrees of freedom. Gibbs phase rule क्या करता है? It shows the relation between, ये relation बताता है P, C and F के बीच में, right? ये दोनों हमको पता है, number of, P stand for the number of phases in the equilibrium, C का मतलब होता है number of the components in a system, और एक नई क्वांटिटी है जिसको हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑलरेडी थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द फेज डायग्राम व्हाट आर द नंबर ऑफ द फेजेस और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ फेजेस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी हमें पता है, सिर्फ हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहां पे क्या करना है, डिफाइन करना पड़ेगा। So before we understand the Gibbs phase rule को जानने से पहले हम क्या करेंगे, thermodynamic variables क्या क्या होते हैं, thermodynamic variable कौन से होते हैं और उसका Gibbs phase rule में क्या importance है, ये learn करेंगे। So let us look at what is mean by thermodynamic variable in this particular phase rule. The thermodynamic variable of the Gibbs phase rule. So, the thermodynamic variable, we mean the first set of thermodynamic variable is pressure and temperature. First set of thermodynamic variable is pressure and temperature. If both are variable, in some cases, like the kind of the diagram, which we are considering the binary diagram, we do not have the pressure as the variable, we have the temperature as the variable. कभी कभी क्या होता है, हमें pressure constant consider करना पड़ता है। जब आप binary phase diagram learn करोगे तब आपको पता चलेगा। So in case of the binary phase diagram, वहाँ पे pressure क्या होता है, fixed होता है, then only temperature is variable। वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर ही वेरिएबल होता है, एंड इन सम केसेस द प्रेशर इज फिक्स्ड। सो इन दोज डायग्राम वी एज्यूम दैट द प्रेशर वाज फिक्स्ड एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जब ये प्रेशर की वैल्यू फिक्स होगी, वो प्रेशर की वैल्यू कितने कौन सी वैल्यू पे कांस्टेंट होगी या फिर कौन से वैल्यू को फिक्स होगी, तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर उस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नॉट वेरिएबल, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएबल नहीं है, देन वी हैव द कंपोजिशन वेरिएबल, देन वी हैव द कंपोजिशन वेरिएबल। कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों फिक्स रहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, कंपोजिशन, उसका जो भी सिस्टम है उस सिस्टम का क्या होगा, कंपोजिशन वेरी होगा।
ओनली फेज कंपोजिशन आर कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल। देखो फर्स्ट कौन से वेरिएबल्स रहेंगे आपके, प्रेशर एंड टेम्परेचर्स रहेंगे। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो सिर्फ टेम्परेचर वेरिएबल होगा, और अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है तो क्या होगा, हम कंपोजिशन वेरिएबल कंसिडर करेंगे। ओवरऑल अलॉय कंपोजिशन इज नॉट वेरिएबल एक्सेप्ट व्हेन वी हैव सिंगल फेज इक्विलिब्रियम, व्हेन द अलॉय कंपोजिशन इज ऑल्सो द फेज कंपोजिशन। सो बट ओवरऑल अलॉय कंपोजिशन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल, इज नॉट अ वेरिएबल एक्सेप्ट व्हेन अ सिंगल फेज इक्विलिब्रियम, व्हेन अलॉय कंपोजिशन ऑल्सो द फेज कंपोजिशन। सिर्फ अगर अलॉय का कंपोजिशन है तो अलॉय का कंपोजिशन हम वेरिएबल नहीं कंसिडर कर सकते, बट लेकिन अगर टोटल अलॉय का कंपोजिशन चेंज हो रहा है या फिर टोटल अलॉय कंपोजिशन एंड द फेज कंपोजिशन अगर एक ही है, सो ऐसे केस में हम कंपोजिशन वेरिएबल कंसिडर कर सकते। लेट अस से द नंबर ऑफ द कंपोजिशन वेरिएबल इफ देयर आर सी कंपोनेंट्स, इफ देयर आर सी कंपोनेंट्स लेट मी यूज द कैपिटल सी इफ देयर आर सी कंपोनेंट्स। अगर हम कंसिडर करते हैं जो कंपोनेंट्स होंगे उनको हम कैपिटल सी से इंडिकेट करेंगे, देन वन नीड टू स्पेसिफाई द कंपोजिशन ऑफ द फेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन ऑफ द फेज शो करना पड़ेगा। सो वन नीड टू स्पेसिफाई सी माइनस वन इज द कंपोजिशन फॉर द ईच फेज। सो फॉर p number of the phases, for the p number of the phases one need p in the bracket c minus 1 composition variable, c minus 1 this is the composition variable, therefore the total number of the variables capital V is equals to p in the bracket c minus 1 plus 2, total number of the variables capital V is equals to P in the bracket C minus 1 plus 2. If pressure and temperature अगर दोनों variable है तो यहाँ पे plus 2 आएगा। If P is constant, अगर pressure constant है, only temperature अगर varies होता है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। So let us now give the rule itself. So Gibbs phase rule को define करने के लिए इतने concept ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, Gibbs phase rule का formal statement बनाएंगे। Gibbs phase rule क्या क्या करता है, हमें degrees of freedom, number of components and number of the phases के बारे में relation provide करता है। So the rule is quite simple, और इसका जो भी derivation है वो derivation हमको learn नहीं करना है, उतना डीप में आपके सिलेबस में है भी नहीं है। सो सिंपली हम इसको रूल बता देंगे। द रूल इज डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट माइनस द नंबर ऑफ द फेजेस प्लस टू। डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द कंपोनेंट माइनस द नंबर ऑफ द फेजेस प्लस टू। If both temperature and both pressure and temperatures are variable, if both temperatures and pressures are variable, another form of the Gibbs phase rule is degrees of the freedom is equals to the number of the components minus number of the phases plus one. If only temperature is variable, temperature variable है, so obviously pressure क्या होगा, यहाँ पे pressure fix हो जाएगा। okay, so this g-
Gibbs phase rule is important in case of the phase diagram. So next lecture में हम phase का मतलब क्या होता है, phase diagram का मतलब क्या होता है, phase और phases के components कौन से होते हैं, इसके बारे में हम detail में discuss करने वाले हैं. Okay? Thank you.